नमस्कार। रागांग की श्रृंखला में आज हम आपके सामने लेकर आए हैं राग मारू बिहाग। बिहाग अंग के रागों में मारू बिहाग राग जो है ये बहुत ही प्रचलित राग है, बहुत मधुर राग। और अधिकतर श्रृंगार प्रधान जो रचनाएं हैं इस राग में सुनने को मिलती हैं। जैसे कुछ राग होते हैं जो सबके पसंदीदा राग होते हैं, तो ऐसे ही मारू बिहाग सभी को पसंद आने वाला राग है, क्योंकि इसकी अपनी जो बनावट है, स्वरों का जो को गूंथ कर जो एक स्वरूप बनाया गया है वो बहुत आकर्षित करता है। ऐसा कहा जाता है कि ये राग जो है बहुत अधिक प्राचीन नहीं है। कुछ विद्वानों के अनुसार मुंबई के उस्ताद अलादिया खान साहब के द्वारा इस राग की निर्मिति हुई है, ऐसा भी माना जाता है। राग न केवल गायन बल्कि वादन में भी बहुत ही प्रचलित राग है। इस राग का ठाट जो है वो कल्याण है। इस राग के वादी और संवादी गांधार और निषाद माने गए हैं। कुछ कुछ विद्वान जो हैं इसके वादी संवादी जो हैं पंचम और षड्ज को मानते हैं, लेकिन विद्वानों के अपने मत हैं। कुछ मत ऐसा भी कहते हैं कि पंचम जो है वो उत्तरांग के भाग में आता है, तो जो है षड्ज चाहे उसका संवाद दिया गया है लेकिन गांधार और निषाद जो है ये अधिक प्रबल हैं, तो इसके आधार पर जो है इसको वादी संवादी माना जाता है। बहरहाल हमें दोनों ही मतों को देखना चाहिए और अधिकतर मत जो है वो गांधार और निषाद को ही वादी संवादी मानते हैं। इस राग में बिहाग अंग और कल्याण अंग ये दोनों का सम्मिश्रण है, यानी ये कहा जाए कि दोनों अंगों से इस राग की निर्मिति होती है तो वो गलत ना होगा। राग अपने आप में जहाँ बिहाग के अंग को लेता है, देखिए क्योंकि रागांग श्रृंखला चल रही है तो हम उसमें देखते हैं कि जहाँ पर बिहाग अंग को लेता है वहीं पर आगे चलकर कल्याण अंग जो उससे जुड़ता है तो राग बिल्कुल अलग हो जाता है। कैसे अलग होता है ये हम आपको आगे बताएंगे। इस राग का जो समय है वो है रात्रि का द्वितीय प्रहर। अधिकतर कलाकार जो हैं इस राग को बजाना या गाना बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि विस्तार का राग है। जहाँ एक तरफ इस राग में चंचलता माधुरी दिखाई देती है वहीं पर इस राग में जो है वो बढ़त जो है वो भी काफ़ी बखूबी की जा सकती है। राग जैसे आपको बताया कि ये रात्रिकालीन राग है। इस राग में जो इसकी जाति है वो है औड़व संपूर्ण, और इस औड़व संपूर्ण होने का जो स्वरूप है वो क्या होगा कि आरोह में ऋषभ और धैवत जो है इसका प्रयोग नहीं होगा। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि बिहाग अंग की बात करें तो वहाँ पर भी ऋषभ और धैवत का दुर्बल्यता है, या कहें कि उसका प्रयोग नहीं होता। तो ये जो दुर्बाल्य जो है ऋषभ और धैवत का ये इस राग में भी मिलता है, यानी कि इसका बिल्कुल भी प्रयोग आरोह में नहीं किया था, और अवरोह में इसके सातों स्वर प्रयोग होते हैं तो ये संपूर्ण राग माना जाता है। इस राग में जो है इसका जो स्वरूप है वो किस प्रकार से है हम थोड़ा सा पहले इसके आरोह अवरोह से देखते हैं। इससे पहले एक और बात मैं आपको बताऊं कि इस राग में दोनों मध्यमों का प्रयोग होता है, यानी शुद्ध मध्यम भी है और तीव्र मध्यम भी है। कैसे है आइए आरोह और अवरोह दोनों में देखते हैं। Yeah.
देखिए दोनों मध्यमों का इसमें प्रयोग हो रहा है। फिर से देखिए बिहाग की तरह दिख तो रहा है, लेकिन फिर भी कुछ अलग है। अब किस प्रकार से बिहाग की तरफ है और कैसे अलग है देखिए। ये बिहाग की तरफ बिहाग अंग की चीजें आ रही है। फिर उसके आगे ग म प, ये तीव्र मध्यम लगा दिया। ग म प नी सा, तो यहाँ पर भी आप देखिए कि बिहार की तरह ग म प नी सा तो जा रहा है, लेकिन मध्यम तीव्र है। ग म प नी सा सा नी द प या माग सरे सा, ये भी होता है। नि सा ग माग बिहाग की तरह जा रहा है। प सा नी प नी नि सा प नि सा ग माग सा माग नि सा ग म ग प म ग ग म प नि द प ग म प म ग सा ग म प ग म प नि सा। तो चलन तो देखिए बिल्कुल बिहाग की तरह आ रहा है। नि सा ग म प नि सा, बिहाग में केवल तीव्र मध्यम नहीं है, शुद्ध मध्यम है। नि सा ग ग म म ग ग म ग प ग म प सा नि ग प ग म प नि सा नि प ग म म प म ग ग म प म ग नि ग प म ग म ग रे सा। तो ये मारु बिहाग का स्वरूप बनता है। अब मारु बिहाग में जैसे मैंने कहा कि दोनों मध्यमों का प्रयोग होता है, तो जो शुद्ध मध्यम होगा वो किस प्रकार से लिया जाता है। सा म म ग, ये जो फ्रेज है ये आएगा। नि सा ग म म ग नि सा ग म प, अभी तीव्र मध्यम आ रहा है। सा म ग म म प, एकदम तीव्र मध्यम लगने से राग बिहाग से अलग हो जाते हैं। प सरे सा,
विहाग में भी दोनों मध्यमों का प्रयोग होता है जब हम राग विहाग गाते हैं। जिस तो राग विहाग जैसे हम थोड़ा सा राग विहाग देते हैं, ये सा ग म ग सा प सा ग म प नी सा नी ग प म प ग म ग सा। तो इस प्रकार से राग विहाग आता है। राग विहाग में भी दोनों मध्यमों का प्रयोग होगा लेकिन तीव्र मध्यम का प्रयोग बहुत ही कम। म प ग म ग इस फ्रेज में तीव्र मध्यम का प्रयोग होता है। अब इसके बिल्कुल विपरीत देखिए, मारु विहाग में सा म म ग म म प ग म प ग म प नी द प ग म प नी सा नी द प द म प म ग रे सा नी सा म म ग म ग रे सा। तो एक मध्यम शुद्ध मध्यम का प्रयोग बहुत ही अल्प, षड्ज और मध्यम का भाव नी सा ग म म ग सीधे तीव्र मध्यम पे नी सा ग म म ग प म ग म ग रे सा म म ग। और ये जो शुद्ध मध्यम का प्रयोग होता है ये बहुत खूबसूरत लगता है। और बार बार नहीं, जब हम राग का विस्तार कर लेते हैं अचानक से जो है हम अवरोह में आते हैं, अचानक से हम षड्ज और शुद्ध मध्यम का जो भाव लेते हैं, जो संवाद लेते हैं, ये बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है और राग को एक अलग ही आकर्षण जो है वो प्रदान करता है। तो ये थे इसके आरोह और अवरोह। अब हम इसकी पहचान की बात करें तो pa ma ga ga ma pa ni da pa ma ga ma ga re sa ma ga ma ga re sa। itna kehte hi jo hai aapka maru bihag samne aa jata hai। ab bihag ki tarah maru bihag ki bhi apni ek chaal hai jo kafi kuch bihag se milti hai। jaise maine aapse kaha कि बिहागंग और कल्याणंग दोनों से जो है दोनों के मेल से ये राग बना है। किस प्रकार से नी सा ग म ग नी सा म म ग सा म म ग उसके आगे ग म प नी सा ये जोड़ देने से आपका जहाँ तीव्र मध्यम लगा आपका कल्याणंग आ गया। ग म प नी द प प द म प म ग म ग रे सा प नी सा ग बिहाग प नी सा ग सा म ग प नी सा म म ग ग म प नी सा मात्र तीव्र मध्यम इस्तेमाल हो रहा। इसके अलावा जो है वो बिहाग की ही चाल है। अवरोह में देखिए कला सा नी द प द म प म ग म ग रे सा। तो आरोहात्मक जो है वो बिहाग आता है और अवरोहात्मक जो है वो कल्याण आता है। अब यहाँ पर सा नी द
दा पा ऐसा कहने से इसके आगे धा मा पा मा गा बिल्कुल एक अलग जो है उसको चाल मिल जाती है। सा नी दा पा मा गा कल्याण की तरह सा नी दा पा धा मा पा मा गा मा गा रे सा मा गा रे सा। तो ये किसी भी राग को जब हमें समझें या जब हम गाएं तो उस राग को उसके स्वरूप को यदि इस प्रकार से अलग अलग तरीके से या हम कहें कि स्वर गुच्छ जो उसके होते हैं विशिष्ट स्वर समुदाय हैं स्वरों की बनावट कैसे है कौन से स्वर प्रयोग होते हैं किस स्वर संगति में प्रयोग होते हैं कौन से स्वरों की संगति है वो उसमें मायने रखती है या वो उसमें एक अलग आकर्षण पैदा करती है ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। तभी उसको हम जब गूंथ कर एक स्वरूप प्रदान करें माला की तरह पिरोएंगे तो एक राग जो है वो अपने अपने स्वरूप में जो आएगा तो वो वास्तव में जो है वो रंजक लगेगा वास्तव में जो है वो सुनने में जो है और गाने में या वादन में जो है वो अच्छा लगेगा। तो ये मारू बिहाग जो है राग है ये बहुत ही प्रचलित राग है क्योंकि देखिए इसका स्वरूप अपने आप में एक आकर्षण प्रस्तुत करता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये इसमें बिहाग भी दिखाई देता है इसे बिहाग की चाल भी दिखाई देती है। अब आरोह में जब हम जाते हैं तो मध्यम शेर के केवल मात्र जो है वो तीव्र होता है और बाकी चाल जो बिल्कुल बिहाग की तरह अवरोह में जो है वो कल्याण अंग आता है। तो राग को जब इस प्रकार से समझेंगे तो राग का विस्तार करना हमें बहुत ही आसान हो जाएगा। अब इसके हम एक उदाहरण के तौर पर एक बंदिश लेते हैं। तो देखिए उन्हीं स्वरों से ही तो बंदिश बनती है। बंदिश का अर्थ क्या है? स्वर पद और ताल इसके समन्वय से बंदिश बनती है। मन ले गयो रे सावरा मन ले गयो रे सावरा सखीरी मोरा लागे नाही जिया सकिरी मोरा लागे नाही जियारा मन ले गयो रे सावरा मन ले गयो गम पनी सापदम पमगर सा। तो ये स्वर की बनावट है जो इस बंदिश में हमें मिलती है। धा धिन धा धिन दा दा पिन मन ले गयो रे सावरा मन ले गयो ओ रे सावरा सखीरे मोरा लागे नाही जियारा सखीरे मोरा लागे नाही जियारा मन ले गयो दे गयो पीर धीर ले गयो दे गयो पीर धीर ले गयो दे गयो पीर दे गयो
थरला राम रंग जब सुनावे जियारा राम रंग जब सुनावे जियारा मेरे गयो रे सारा मन ले गयो। कभी कभी विद्यार्थियों को ये जिज्ञासा आती है कि बंदिश कैसे बनती है। बहुत से विद्यार्थी ये प्रश्न पूछते हैं कि बंदिश कैसे बनाई जाती है। देखिए मैंने जैसे आपसे कहा कि स्वर है, पद है और ताल है, यानी सारे गामा स्वर कौन से स्वर जो राग में प्रयोग हो रहे हैं। जैसे मैंने इस राग का विस्तार आपको बताया तो उसमें कौन कौन से स्वर प्रयोग हैं ये भी मैंने आपको बताया। उन स्वरों को लिया जाए और पद शब्द जो है जैसे मन ले गयो सावरा, अब ये जो है शब्द है, अब इसको ताल में कैसे, हमने ये अद्धा ताल ली, अब ये बंदिश तीन ताल में भी गाई जा सकती है और वास्तव में तीन ताल की बंदिश है। लेकिन बंदिश को भी कहते हैं कि इंजॉय करना, बंदिश का भी एक आनंद लेना, उसको ध्यान में रखते हुए हम इसको सितार खानी या अद्धा ताल या पंजाबी ताल जिसे कहा जाए उसको 16 मात्रा की उसमें उसको गाते हैं तो एक उसका अलग एक आनंद प्राप्त होता है। अब हम इसको तीन ताल में गाएं, मन ले गयो रे सावरा मन ले गयो रे सावरा मन ले गयो रे सावरा सखिरी मोरा लागे नाय जियारा सखिरी मोरा लागे नाही जियारा मन ले गयो ओ सावरा मन ले गयो अब हमने देखना सम कहाँ पे दादा ते मन ले गयो तो यो पे सम है धा तिन तिन मन ले गयो रे सावरा मन ले गयो। तो ये राम रंग की बंदिश है और जब ये बंदिश की रचना की गई होगी तो उसके शब्दों को जो सोचा होगा और जब बंदिश में उसको स्वर और ताल में पिरोया होगा तो वहाँ देखा यो पर उसका सम बहुत सुंदर लग रहा है। इसी प्रकार से पूरी बंदिश की रचना की गई मन ले गयो रे सावरा मन ले गयो रे सावरा सखिरी मोरा लागे नाय जियारा सखिरी मोरा लागे नाही जियारा मन ले गयो मन ले गयो मन ले गयो ओ बंदिश एक उदाहरण के तौर पे आपको बताई जिसमें आपको जो जो स्वर संगतियां मैंने बताई थी वो इसमें बखूबी दिखाई पड़ती हैं और उसी से जो है इस बंदिश का सौंदर्य सामने झलक कर आता है। तो ऐसे उदाहरणों को लेकर जो है जब मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ तो इस ये उम्मीद रखती हूँ कि आपको राग बहुत ही सहज रूप से सरल रूप से आपको समझ में आए, क्योंकि जो चीज़ बताई जाती है थेरेटिकली उसको जब क्रियात्मक रूप में जी प्रैक्टिकली करके बताया जाता है वो ज़्यादा आसान और ज़्यादा जल्दी समझ में आता है और यही प्रयास जो है हमारा आपके साथ रहता है। तो आगे के श्रृंखला में हम इसी चीज़ को आगे आपको और विस्तार से बताएंगे।